ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए अब बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, और हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने ये कहा था कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली नहीं पता कर सकते। इट वॉज द कंक्लूजन कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है ये पता नहीं कर सकते कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइम पर कहाँ है और कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये सारी बातें। फिर हमने इसको लैम्डा की फॉर्म में भी किया, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में भी पुट कर दिया। तो अनसर्टेनिटी इज देयर इन एवरीथिंग, अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। तो इस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा बेटर वे में जैसे समझ जाएं, अनसर्टेनिटी क्या होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी कह लीजिए आप जो है। जैसे मान लो आसमान में बादल है, तो हम कह सकते हैं कि आज जो है बारिश होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ शंश्रेय जी, डाउट आप लिख लो, टाइप कर दो, फिर जो है पोस्ट कर दो अगर लिखने लायक है, नहीं तो आई विल गिव यू ऑडियो टाइम। ठीक है, अच्छा सुनिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, दैट इज कि जैसे मैंने कहा कि भाई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा बादल होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो बारिश। ठीक है, तो उस तरीके से जो है अनसर्टेनिटी एक और फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आगे जो हम चल रहे हैं वो अनसर्टेनिटी के थॉट से चलेंगे। अगला जो मॉडल है उस मॉडल ने जो है दो मेन पॉइंट्स को लेके चला है ये मॉडल, दैट इज वन इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, जिसमें कहा गया कि व्हाट यू आर सेइंग अनसर्टेनिटी, मैं देखता हूं अभी जो है, ठीक है ना, उसमें ये कहा गया कि छोटे पार्टिकल की वेव नेचर होगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लाइक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होगी, और दूसरी बात दैट इज कि अनसर्टेनिटी होगी, यू कैन नॉट सर्टनली से। तो हमारा जो नया मॉडल है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो पहले तो हम जो है समझ लेते हैं इस नए मॉडल को जो है, इट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या बोला हमने इसको, हमने इसको बोला वेव मैकेनिकल हाँ, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो संश्रय ने मेरे से पूछा है मैंने कल ही क्लियर कर दिया है कि हमारी साइंस की टर्म्स में अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी जो है एक ही वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। इज इट ओके? सो इफ अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीजेस, इज इट ओके? वो इंग्लिश वर्ड्स में मैं समझ गया, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि इट कैन बी फाउंड विद 2% एक्यूरेसी और 2% अनसर्टेनिटी, सो दैट मींस सेम थिंग। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो हमने डेल्टा एक्स की टर्म्स में कहा था उसका ये मतलब है। अब आप सुनते जाएं मेरी बात जो है, ठीक है। इसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी, ठीक है, कहते हैं इसको, ठीक है। और दिस मॉडल वॉज गिवन बाय स्क्रॉडिंजर, आप मेरी सबसे पहले इस मॉडल को कराने से पहले एक थॉट समझ जाइए। जो मेन मॉडल हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का था दैट वाज बोर्स मॉडल, आप देख रहे होंगे अपने पैकेज में भी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं उसी मॉडल के हैं, ठीक है, उसी की एप्लीकेशन के हैं। ये जो मॉडल है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, ठीक
ठीक है, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमने करना क्या है, व्हाट हाउ टू स्टडी दिस मॉडल, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस मॉडल इज नॉट टू बी स्टडीड एज वी हैव स्टडीड बोर्स मॉडल, देयर इज डिफरेंस। बोर्स मॉडल में हमने एप्लीकेशन तक हम गए, हमने क्वेश्चन सॉल्व तक जो है बात की, लेकिन इस मॉडल में हम लोग इस मॉडल को समझेंगे। जो मेन पार्ट इज कि आपको ये मॉडल समझ में आया कि नहीं, एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो ये मॉडल आपको उतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा स्टार्टिंग में जितना कि बोर्स मॉडल है। ठीक है, लेकिन इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल, ध्यान दीजिएगा। तो इस मॉडल में सबसे पहले तो बात की गई, दैट इज अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन जो है एज ए वेव भी है, और इस इलेक्ट्रॉन वेव को जो है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन वेव है, जैसे अगर वो वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होगा। ठीक है, उस एम्पलीट्यूड को एक स्पेशल साइन दिया गया जो यहां पे नया है, दैट इज साई। तो दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव जो है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, पी एस आई। ठीक है, तो आप इस मॉडल का ट्रिक ये है कि आप जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स ना बनाएं चीज को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम जितना इसको लाइट वेटेड रखेंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, एम्पलीट्यूड जो हमने पहले पढ़ा, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, आप उतना ही सीरियस इसको लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है आप वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में लिख लीजिएगा, आप लिखें एक दो लाइनें जो है, आई थिंक ऑडियो इज क्वाइट क्लियर कि आप नोट भी कर सकते हैं, आप नोट कीजिए। दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय स्क्रॉडिंजर, इन विच ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक ए वेव ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल मास एंड ही मैथमेटिकली डिराइव्ड एन इक्वेशन कॉल्ड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। उसने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से जो है, इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के दो तरह से हम इसको यूज करेंगे। देखो, आप लिख लीजिए, दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय स्क्रॉडिंजर इन विच ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक ए वेव ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल मास एंड ही मैथमेटिकली डिराइव्ड एन इक्वेशन कॉल्ड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इज इट ओके? अब सुनिए, देखो, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से जो है, इसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, उन कॉन्स्टेंट्स को हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स, और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे
ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उसको हम बोलते हैं साई, तो जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेव फंक्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। तो जैसे वो जो है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के दो हमें ये मिले, पार्ट्स मिले, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करेंगे, और जो उसके सोल्यूशन होंगे उसको सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएंगे दे विल बी called as the wave function or that is psi. इससे जो हमें आएगा psi आएगा, सुनते जाइए मैं बता रहा हूं। और psi से ही जो है जब हम उसका स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट psi स्क्वायर, ठीक है। जो psi स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, इन 3D स्पेस। ठीक है, मैंने पहला रूल बताया, इसमें पजल बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, आप समझते जाइएगा, बिल्कुल रास्ते पे ले आऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स और सॉल्यूशंस हैं, कॉन्स्टेंट जो है क्वांटम नंबर बताते हैं, और सॉल्यूशंस जो है वो वेव फंक्शन जो कि साई है उसको बताता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें साई स्क्वायर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आउटसाइड न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। ये तीन चीजें जो है ये बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस भरोसा रखिए, ठीक है। सुनिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज ऑर्बिटल्स, the 3D region around nucleus where probability of finding electron is maximum। ऐसी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, कई बार मैं ये बात करूंगा इस डेफिनेशन की, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, ऑर्बिटल वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, 3D, क्योंकि बोर्स मॉडल की ये भी कमी थी ना, वो 2D मॉडल था, तो ये 3D मॉडल है, ठीक है। तो ऑर्बिटल उस रीजन को बताते हैं, देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस हो गया, ऑर्बिटल जो है उस रीजन को बताते हैं 3D रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। देखो एक प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा है ना, हमारे बोर ने नहीं किया था प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद जो है प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज होने लग गया कि भैया संभावना है मिलने की, छोटे पार्टिकल को आप एक्यूरेटली नहीं फाइंड कर सकते, इज इट ओके। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का असर है यहां पे, ओके। अब मैं लिखने लगा हूं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को, आप पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल बढ़िया मॉडल आ जाएगा ये थोड़ी देर में। अच्छा,
स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन थोड़ी लिखी हुई अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं एकदम से कि भाई ये क्या हो गया। इट इज डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब सुनते जाइए आप बात, दिस इज द इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को देखते जाइए, ये डेल्टा साइन है, ठीक है। जैसे हम ट्रायंगल की तरह भी लगाते हैं, तो बिग चेंज के लिए ट्रायंगल लगा देते हैं, बिग कैपिटल डेल्टा लगा लेते हैं, स्मॉल डेल्टा है, ठीक है। कई बार हम डी भी लिखते हैं जैसे, ठीक है। सो इट इज लाइक स्मॉल डी, ठीक है। तो और ये साई, अभी हम बात कर चुके हैं साई की, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। एक्स वाई जेड आर स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं। साई इज द वेव फंक्शन एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 केजी, ठीक है। उसके बाद ई इज द टोटल एनर्जी, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको कि जैसे बोर्स मॉडल में हमने कहा था इट इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वो उसी तरह से है, ठीक है ना। एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट यू नो, ठीक है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, आप सुनते जाइएगा। सो ये इक्वेशन है, ठीक है। पहला पार्ट तो क्या है कि हमें जो है साई का पता होना चाहिए, और ये इक्वेशन फर्स्ट गो में तो आप इसको रट लें, ये सारी इक्वेशन जो है आपको रटी होनी चाहिए। इज इट ओके? इतना ही अभी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हम जितने प्लानिंग से करेंगे उतने बढ़िया से हमें ये समझ में आएगा मॉडल जो है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड क्वांटम नंबर्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग जो है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम क्वांटम नंबर्स की, नाउ आर यू एबल टू सी दिस? एक मिनट, v की वैल्यू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, सुनते जाइए आप। तो हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, अब सुनिए।
सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, आप लिखें. द सेट ऑफ फोर नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट्स स्लैश एनर्जी लेवल कॉमा एंगुलर मोमेंटम या स्लैश सबशेल्स एंड ओरिएंटेशन स्लैश ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो एक एटम में जो है ये देखो ऑर्बिट्स के बारे में बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा है. हम बोर्स मॉडल से हम बहुत ज्यादा जो है दूर नहीं जा रहे. ऑर्बिट टर्म पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट या एनर्जी लेवल ठीक है. तो उसके ए पहला ए क्वांटम नंबर उसकी इंफॉर्मेशन देगा. दूसरा क्वांटम नंबर जो है हमें इंफॉर्मेशन देगा एंगुलर मोमेंटम की ठीक है या सबशेल की. जो स्लैश के बाद जो वैल्यूज लिखी गई है जो टर्म्स लिखी गई है ना जैसे एनर्जी लेवल सबशेल ये आसानी से समझ आने वाली है. एंगुलर मोमेंटम मैं ऑन द स्पॉट आपको बताऊंगा ठीक है सुनते जाइए. ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स की हमने बात अभी की ठीक है. तो ऑर्बिटल्स के बारे में भी ये बताएगा एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ठीक है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ये क्वांटम नंबर्स हमें देने वाले हैं. आप नोट करते रहिएगा साथ साथ में. इज एवरी पर्सन गेटिंग माई वॉइस क्लियरली ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को जो है ठीक है. कनेक्टिविटी ओके डन ठीक है. चलिए तो अब हम किन क्वांटम नंबर्स की हम बात करने जा रहे हैं. जिन क्वांटम नंबर्स की हम बात करने जा रहे हैं आप देखिए वो कौन कौन से हैं. पहले हम लिख लेते हैं. फर्स्ट इज कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं आपने इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. द सेकेंड वन इज azimuthal क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल ठीक है. द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है तो आपको समझ आ रही है बात ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सभी क्वांटम नंबर्स की हम वन बाय वन जो है बात करने वाले हैं. आप ध्यान देके समझते रहिएगा. लेकिन पहली बात तो ये आती है ठीक है दैट इज कि आखिर ये क्वांटम नंबर्स जो है हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं. जस्ट एक मिनट जो है
अभी मैं आपके चैट्स को नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, रीजन बीइंग के अभी जो है मेरे पास दूसरा डिस्प्ले नहीं है जिसपे मैं देख पाऊं, ठीक है, तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर कोई बड़ी ट्रबल होगी तो मैं एक दो पार्टिसिपेंट्स को आई एम अनम्यूटिंग, ठीक है ना, जो भी मेरे को पहले पहले दिख रहे हैं मैं उन्हीं को अनम्यूट कर रहा हूँ। आई एम अरविंद सैनी जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एंड आई एम जस्ट, ठीक है, आदित्य गुप्ता जो है, ठीक है ना, आई एम अनम्यूटिंग, ठीक है ना, एंड अगर कोई गर्ल है एंजल तो जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, अंकिता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट मुझे एक दो स्टूडेंट्स ताकि जो है, ठीक है, आप शोर नहीं करेंगे जो है, आप जस्ट मुझे इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, किसी आप तक कोई जो है मेरी बात नहीं पहुंच पाए तो जो है एंड बात मत कीजिए प्लीज। अब आप सुनिए, तो अभी जो है किसी के घर में तो पियानो क्लास चल रही है, यार आप किस तरह के लोग हैं, ठीक है ना, आप क्लास में बैठे हुए हैं और जो है आई हैव टू म्यूट ऑल ऑफ यू अगेन, ठीक है, मतलब कोई पियानो सीख रहा है, ठीक है ना, बढ़िया, हाँ मैंने कर दिया सबको जो है म्यूट अगेन, ठीक है ना, अब आप बोर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मेरे पास आपकी चैट्स नहीं पहुंच रही हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, आप जो है आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ठीक है, सुनते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर ना नील्स बोर ने ही दिया था, तो इसलिए जो है ये क्वांटम नंबर जो है बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि बोर्स मॉडल में बात कही गई थी। अच्छा, मैं क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा समझा दूं आपको बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, दैट इज कि आखिर क्वांटम नंबर्स का यूज क्या है। भाई आपने पिन कोड जैसे सुन रखा है, पिन कोड में क्या होता है, पिन कोड जैसे जम्मू का है कहीं का 180012, ठीक है, तो अब फिनिक्स का ये पिन कोड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजिट्स जो है कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे इनिशियल जो दो डिजिट्स हैं वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 मींस जम्मू स्टेट, जे एंड के स्टेट, तो सारे जे एंड के में 18 ही चलेगा, ठीक है, जैसे 17 स्टैंड्स फॉर हिमाचल, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट को दो डिजिट्स दिए गए हैं पहले, फिर जो अगले दो डिजिट्स होंगे वो उनके जो है डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे कि ये 01 02 03 लाइक दैट, इस तरह से जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कहीं का 00 है, कहीं का 01 02 03, इस तरह से जो है फिर आगे के जो डिजिट्स होते हैं एक या दो जो भी हैं उनको जो है पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में दे दिया गया है कि 01 02 03 ऐसे, ठीक है, तो दैट मींस अगर कोई बंदा लेटर लिखेगा और पिन कोड लिख के ही डाल देगा तो वो हमारे जैसे त्रिकुटा नगर का 180012 है तो त्रिकुटा नगर के पोस्ट ऑफिस में तो वो लेटर पहुंच जाएगी, सही बात है, तो डिजिट्स में ये पावर है कि डिजिट्स जो है वो आपके लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है, वही चीज हम जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए करना चाहते हैं। और डिजिट्स इतने नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे अगर पोस्ट ऑफिस है फिर पोस्ट ऑफिस के आगे जो है मान लो कोई अलग अलग मोहल्ले हैं,
सेक्टर है, सेक्टर 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, तो दो डिजिट और लगा दें तो पर्टिकुलर सेक्टर में भी लेटर पहुंच जाएगा। उस सेक्टर में मान लो घर है, 500 घर हैं, तो 3 डिजिट और आगे लगा दो, 001002101051052502, ठीक है, 999 यहां तक जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो आपके घर तक भी लेटर पहुंच जाएगी। और अगर घर में मेंबर्स हैं, कितने भी हों, डबल डिजिट में होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए लास्ट के 2 डिजिट और लगा दो, ठीक है ना, 01 दादाजी के लिए, 02 दादी जी के लिए, 03 पापा मम्मी, ठीक है ना, ऑल दैट, तो सीधे लेटर आपके पास भी पहुंच जाएगी। सही बात है। तो इसलिए जो है अपने डिजिट्स में ये पावर है, यही पावर जो है, यही पिन कोड सिस्टम जो है हम इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहे हैं। तो किस तरह से दे पाएंगे आप देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम बड़े डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा स्टेट की कि भाई इंडिया में कहां पर, तो 18, तो वही बात एटम में कहां पर, सबसे पहले बात करेंगे शेल की कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर बात करेंगे सब शेल की, शेल को भले ही आप समझते हैं जो ऑर्बिट होता है, लेकिन सब शेल आपके लिए नहीं है, ठीक है, ऑर्बिटल्स भी आपके लिए नए हैं, स्पिन भी आपके लिए नहीं है। तो ये सारी बातें जो है अब हमें ये क्वांटम नंबर जो है डिस्क्लोज करने वाला है। प्लीज आप बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, देखो हमने कहा गिव्स इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट या शेल, इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये देता है। एक बात, एनर्जी लेवल वही पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, लाइक दैट जो है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये हमें और क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें एप्रोक्सीमेट रेडियस बता देगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं बात स्टार्ट करूं, जैसे एनर्जी, एनर्जी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वही -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी। अगर हाइड्रोजन एटम टाइप की बात करें तो जो है एनर्जी जो है अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, अप्रोक्सीमेटली वर्ड लगा दिया क्योंकि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इवन एनर्जी कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, लेकिन इसके आसपास ही होगी। ऐसे जो है रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मतलब हमें ये तो सीधे सीधे यही बता रहा है ना कि ये तो हमें सीधे सीधे यही बता रहा है कि शेल कौन सी है, जैसे पहली शेल, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना। तो इट इज एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है। सो दैट मींस जो वैल्यूज ऑफ एन होंगी वो पॉजिटिव होल नंबर इंटीजर ही होगा। जैसे एन की वैल्यूज हमने कही थी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। एक बात, ठीक है, मैं लास्ट में आपके चैट को देखूंगा, अभी जो है मैं इसको क्वांटम नंबर को पूरा कर दूं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हम और भी यहां पर लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन
एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या हो गया एन हो गया, सो दे आर इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एन है, लिंक्ड है सब कुछ जो है, मतलब तो ये ऑर्बिटल्स का नंबर एन स्क्वायर होगा, तो एन की वैल्यू वन है तो ऑर्बिटल एक ही होगा, दो है तो चार हो जाएगा, तीन है तो नौ होंगे, चार है तो सिक्सटीन होंगे। किस तरीके से होंगे लेटर ऑन बात करते हैं, जैसे जैसे डिस्क्लोज होंगे क्वांटम नंबर्स खुद जवाब मिलेगा सब कुछ, क्योंकि हम ऑर्बिटल्स भी काउंट करके बताएंगे, अभी तो फार्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, आगे में फार्मूला इसका बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप जो है ऐसे, और साथ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट आर गिवन बाय 2n स्क्वायर, सो दैट मींस ये शेल हो गई जो कि n है, और ये उसमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि 2n स्क्वायर हुए। तो मतलब पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। यही जो आप सीक्वेंस पढ़ते आ रहे थे ना 2, 8, 18 कॉन्फ़िगरेशन में, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से ही बनती है ना, इसलिए जो है ये जो है हमें ये इंफॉर्मेशन भी देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय नील्स बोर, ठीक है ना। हमारा ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो कोई नई इसमें बात नहीं है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेट मी सी एक बार मैं आपकी चैट्स को देख लूं, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, ओके ओके ओके। डन, ठीक है। एग्जैक्ट 0.529 नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट, अरे 0.0, वो ठीक है, वो गलती से लिख दिया 0.529, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट होगा, डन। अब अगले क्वांटम नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। द सेकेंड क्वांटम नंबर, जस्ट वन मिनट, आप नोट कर ले। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज सारे लोग ध्यान दे के समझिएगा, तभी ये बात जो है आपको समझ में आनी है। तो हम बात करने जा रहे हैं एजीमुथल, इसको हम एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, या सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एल, तो अब सुने आप बात, व्हाट इज देयर एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो है, इट
गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सबशेल इन विच एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब बात को समझते जाइए, बात को आसान करना है हमने जो है, ठीक है ना, क्योंकि दिस मॉडल अपने आप में कॉम्प्लेक्स है जो है, ठीक है। तो अब जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप भी बताएगा, एवरीथिंग हम करने वाले। सबसे पहले जो वैल्यूज ऑफ एल हैं, दे आर फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। सुनते जाएं, तो दैट मींस टोटल वैल्यूज एन ही होगी 0 को मिला के, ठीक है। अब यहां पर जैसे अगर हम देखें कि एन से एल की वैल्यूज कैसे रिलेटेड हैं, ये एन हो गया, ये एल हो गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो है अगर 1 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0 होगी, ठीक है। और अगर एन की वैल्यू 2 है जी, तो L की वैल्यू 0 एंड 1 होगी। और ऐसे ही अगर N की वैल्यू 3 है तो इट इज 0 1 2, ठीक है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा और समझेंगे, दैट इज कि आखिर ये 0 1 2, ये तो आपको समझ आ गया 0 टू n माइनस 1, मतलब N की वैल्यू 1 तो ये 0, 2 तो 0 एंड 1, 0 1 2, ठीक है, डन। अब जो नेम ऑफ सबशेल होगा उसको जान लें, चलो इसको अलग लिख लेते हैं हम, दैट्स बेटर, के एल की वैल्यू एंड नेम ऑफ सबशेल। सबशेल की बात मैं करता हूं लेकिन पहले थोड़ा ये मैथमेटिकल पार्ट जो है, तो L की वैल्यू अगर 0 है तो सबशेल इज S, 0 स्टैंड्स फॉर S एंड S का मतलब शार्प, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, आप जस्ट नोट करें। एंड अगर 1 है तो उसको नाम दिया गया है, जैसे N इज इक्वल टू 1 2 3 को भी KLMN नाम दिया था ना, तो ऐसे ही इसको जो है SPDF नाम दिया गया है। तो 1 stands for P and that is principle, मतलब इनके structural features के base पे ये नाम दिए गए हैं। Second is D, diffused, and third is F, stands for fundamental, and then fourth G, वो alphabetically हो गए, फिर fifth H, sixth I, ठीक है। भले ही periodic table में हमारे F तक ही electrons होते हैं, लेकिन G, H, I subshells जो है होती हैं, भले ही उनमें electrons ना हो। एक atom में infinite number of shells होती हैं, तो subshells भी infinite number होगा। Is it okay? आप सुनते रहिए, लास्ट में मैं आपकी चैट को देखूंगा, ठीक है ना, पहले मैं इस पे बात करता रहूं। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सबशेल का पहले फंडा बता देता हूं कि क्या है।
सबशेल के बारे में कुछ ऐसा कहा गया कि भाई जो बोर्स मॉडल में कहा गया था कि एक एटम जो है उसकी शेल होती है ऐसे कि ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है, फिर ये दूसरी आ गई, फिर ये तीसरी आ गई, इस तरह से शेल है। तो n इक्वल टू वन है, n इक्वल टू टू है, n इक्वल टू थ्री है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि एक शेल जो है उसकी भी कई सब शेल्स होती हैं, जैसे पहली की तो वही है, तो इसलिए l की वैल्यू इसमें वन ही है, तो दैट मींस वो s ही सब शेल है। लेकिन दूसरी में जो है, दूसरी जो शेल है वो दो सब शेल से मिलके बनी है, एक में l इज इक्वल सॉरी l इज जीरो, l इज जीरो, देन s एंड देन l इज इक्वल टू वन, दैट इज p। आपने देखा होगा जो मैंने यहाँ पे टेबल भी किया था, जब n की वैल्यू दो होगी तो l की वैल्यू जीरो एंड वन होगी, जीरो स्टैंड्स फॉर s, वन फॉर p, मतलब सेकंड शेल की दो सब शेल होगी s एंड p, सुनते जाइए, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड की जो है तीन होगी, ठीक है, एंड दैट इज l इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, s p D। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं तो एक घर है, जो पहला घर है उसका एक ही फ्लोर है, तो वो फ्लोर ही वो घर है, लेकिन उससे अगली बिल्डिंग में क्या है, दो फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो वो बिल्डिंग दो फ्लोर से बनी है, उससे अगली तीन फ्लोर्स, एक दो तीन, इज इट ओके। तो इस तरह से हर शेल जो है छोटे छोटे सब शेल से मिलके बनी हो, इनकी एनर्जीज भी अलग होती है, ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो इन ए शेल जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो होगा एस का सबसे कम, देन पी, देन डी, देन F। मतलब क्योंकि S न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे है ना, तो जैसे S नजदीक है, P दूर है, फिर S, P, D, जो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, वही बोर्स मॉडल वाली बात यहाँ भी चलेगी। तो S न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होता है सबसे कम एनर्जी इसकी, देन P, देन D, देन F, इस तरह से जो है ये चलेगा, आप सुनते जाइए, ठीक है। क्लास की टाइम की अभी चिंता मत कीजिए, आप जो है जस्ट एक बार जो है मेरी बात को आप समझते जाएं। अच्छा, तो यहां पर जो है एक और बात है, दैट इज ये हमें बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। आप एक बात का ध्यान दीजिए, ये एंगुलर मोमेंटम जो है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो वो था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वहां पे एन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था बोर्स मॉडल में एन, तो एन की बात हम कर चुके, ये एल पे ले जा रहा है, तो एन की जगह इस टर्म ने ले ली, एच अपॉन टू पाई सेम रहा, तो अगर ऑर्बिटल का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्लियरली, ठीक है ना। मैं आपके अभी चैट को पढ़ता हूँ, इफ देर इज एनीथिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम एच क्रॉस भी लिख लेते हैं कई बार जो है, इट इज लाइक एच क्रॉस, ठीक है ना। तो ये जो है टर्म जो है इस तरह से भी हो जाएगी, ये रूट के बाहर है, एच क्रॉस, सुनते जाइए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमें ये वैल्यू याद रखनी है पहली बात, ठीक है ना, और साथ में हमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इंटरेस्ट जो है इसको अप्लाई करने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है इसको समझने में, ठीक है। तो जैसे मैं करा रहा हूं आप बिल्कुल वैसे समझते जाए,
ठीक है ना, मैं बिल्कुल आपको कंफर्टेबल वे में ठीक है करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो मॉडल है अगर कोई खुद पढ़ेगा आप में से किसी को भी समझ नहीं, ठीक है, जिस तरीके से मैं ले जा रहा हूं आप बस उतना उतना पढ़ते जाइए, आफ्टर दैट यू स्टडी द टेक्स्ट बुक, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सुनते जाए। तो यहां पर हम एक टेबल की हेल्प ले रहे हैं अभी जो है, दैट इज ये हो गया सबशेल, ठीक है, उसके बाद ये हो गई वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, उसके लिए जो कि होता है वही रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, सुनते जाएं, एंड इट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल भी देता है, किस तरीके से देता है उस पे मत जाइए, जो मैं समझा रहा हूं आप उसको समझिए, क्योंकि होल ऑफ द मैथमेटिक्स इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगले लेक्चर में जब मैं मिलूंगा तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटी इज, लेकिन आज के लेक्चर में आप सिर्फ इतना ग्रास्प कीजिए कि अगर सबशेल जो है एस है जिसके लिए एल की वैल्यू जीरो होती है, तो ऑब्वियसली बात ये है कि ये सारी टर्म भी जीरो हो जाएगी, सही बात है जी, ठीक है। तो जब ये सारी टर्म जो है जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल है ना वो डायरेक्शनलेस है, तो इसलिए जो हमारा ऑर्बिटल होगा ना उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होगी, ऐसे हमारे ऑर्बिटल की शेप जो है वो स्फेरिकल है। आप बस इतना समझें, एंगुलर मोमेंटम अगर जो है जीरो हो रहा है मतलब शेपलेस ऑर्बिटल है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, ऑर्बिटल कहीं ज्यादा नहीं है कहीं कम नहीं है, सारी तरफ बराबर स्मूथ है, तो इट इज स्फेरिकल ओनली, न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसका सारी तरफ बराबर है, ये मतलब हुआ, इज इट ओके। अच्छा, उसके बाद बारी आती है पी, दैट इज एल इज इक्वल टू वन। अगर हम एल इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू जहां तक मैं देख पा रहा हूं एच अपॉन रूट टू पाई आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो रूट टू हो जाएगा, वन प्लस वन रूट टू कटेगा, ये सुनते जाइए। तो जब ये वैल्यू आएगी इससे जो शेप बनती है, मैंने कहा हमने ये नहीं देखना किस तरीके से बनती है, ठीक है ना, इट्स नॉट अवर पार्ट, इट्स नॉट इन अवर सिलेबस, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन। इससे जो शेप आती है दैट इज डंबल शेप, और जो डंबल शेप होती है दैट इज लाइक दिस, इज इट ओके। अच्छा, मैं आपके रिव्यूज नहीं देख पा रहा हूं अभी जो है, चैट नहीं देख पा रहा हूं, तो एल इज इक्वल टू टू, ठीक है ना, तो अब कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, रूट थ्री बाय टू एच अपॉन पाई, है ना, यही लग रहा है। तो ऐसे में इसकी जो शेप आएगी दैट इज डबल डंबल, जो डबल डंबल शेप है वो ये है, ठीक है। सो दैट मींस के जो हमारे डी ऑर्बिटल की शेप होगी वो डबल डंबल होगी, ठीक है, हो सकता है प्री प्राइम वालों को ये करवा दिया हो, आई डोंट नो वेदर दे हैव डन इट और नॉट, ठीक है ना, आप इसको देखें एक बार जो है, ठीक है, एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ आई एम ओवर द चैट, सो अगर किसी को कुछ जो है कहना है, ठीक है,